जय गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग आए, जैसे अनुराग जी ने बोला अभी कि ये इवेंट प्लान नहीं था, अगर आपके फेब्रवरी में करना होता तो कोई डेट ही नहीं मिल रही थी। आई गॉट वेरी अपसेट कि हर बात मिली थी, उसके बाद कोविड आ गया तो कराया नहीं। चलिए तो फेब्रवरी में आया कि चलो नहीं बना दूसरी का, तो फिर नासिक क्या कर सकते हैं, लड़कों से संडे को ही मांगा, वीकेंड ही मांगा, पर एक ही वीकेंड था मेरे पास फ्री हो, तो अपने आप ही सब सेट होगा, कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैं आज ही आया, सारा अरेंजमेंट भी रोटी होती है उन्होंने किया होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया। तो आप जी ने तो बोला कि सैटरडे को भी फंक्शन है, दो फंक्शन है, हो सकता है वहाँ इवेंट में लोग भी ना आए, लेकिन जिसने गुरु जी को गुरु जी ने जिसको बुलाना हुआ बुला, लेकिन नहीं बुलाना हुआ नहीं बुलाएंगे। बड़ा सिंपल है, कहते हैं ये भाव है तो करा होगा, तो दिस इज हाउ वी डू इट। और ये सारा उन्हीं का ही किया, मतलब कुछ नहीं हमने ऐसे भी किया। और कई छोटी छोटी बातें किसी को लग गया कि ये क्या बात है, जो कोइंसिडेंस भी हो जाता है। मैंने ऐसे बड़े सारे कोइंसिडेंस देखे, तो मेरा ये मानना है कि गुरु जी हम सबको ना सुख देते हैं, आप मांगते कुछ भी हो बट मिलेगा, जो सुख की डेफिनेशन में आप कर आपके परिवार के लिए बहुत। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके घर में बड़े क्लेश होते थे, हाईली एजुकेटेड थे, छोटी छोटी बातों पर क्लेश, मतलब बिना सिर्फ ऐसी बातों के क्लेश, रोना धोना झगड़ा परिवार में। आज वही लोग हैं, वही इश्क हैं, पर जब से गुरु जी के संरक्षण में आए, मैंने उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। एक ऑब्जर्व करने की बात होती है, मानना ना माना अलग अलग लोगों की बात। मेरा एक दोस्त था, उसको देवर ड्राइंग पर एजुकेट नहीं हो रहा था, मैं उसको बोला मैंने बैठा देख लो वहाँ पर, तुम्हारा क्या जा रहा है, नुकसान को कुछ नहीं होना। वो आए तो मैं क्या मांग के भी देख लो, उसके भी नुकसान को कुछ नहीं होगा, तो ऐसे चले जाओ। मैंने चाय पर चाह दिया एकदम लंगर भी नहीं चले जाएंगे, मतलब ठीक है आपने बोला आगे फॉर्मेलिटी रिस्पेक्ट के लिए, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले लंगर करके आप तो देख लेते, मज़ा बड़ा आ रहा है कुर्बानी सुनने में, लंगर भी करते हैं। चलो अगले साल मिलेंगे, तो अगले साल दे रहे न्यूबॉर्न चाइल्ड, तो ये ऑब्जर्व करने की बात है, मानने की बात है। हो सकता है वो लोग शायद अभी भी ना मानते हो, बट अब जिसने रिकमेंड किया कि आओ, मैं तो देख रहा था कि इट्स लाइक अ साइंटिफिक टेस्ट, आपने किताब में पढ़ा, पर जब आप खुद करके देखते हो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, यार ये हो गया यू नो। और वो जब आपने देखा कि हो गया, सही बात है यार, कुछ तो है ठीक है। और ऐसे भी देखे हमने, मतलब अभी प्रशांत इसके साथ में करा रहा हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहते कुछ नहीं हो सकता, खत्म। वो अड़ी गया, कैसा मैं तो जी बैठ कर भी गया, मैं जो वो जी उसको अड़ी फोटिस के अंदर तीन दिन था चेयर के ऊपर, कहते बैठ कर भी सो, वो डॉक्टर आज तक नहीं बता रहे उसको ठीक कैसे होगा, मतलब दे हैव नो रीजन टू बिलीव कि कैसे हो सकता। सारे टेस्ट रिपोर्ट वाज लिवर फेलियर, सिम्टम्स वर ऑफ लिवर फेलियर, बट आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुड नॉट इवन स्टैंड, आई वाज सो फर्म। वो गुरु जी से अपना कनेक्शन बना के चला कि अभी टाइम नहीं आया, जो मर्जी कर लो, मेरे को बड़ा सारा अचीव करना है, हमारा मानो लेकिन उसके तरले करते रह गए। सर बेड में तो लेट जा, कहता ना किसी पेशेंट को देखा ना मोबाइल फोन सीसी में लेके जाता, वो लेके गया डॉक्टर, कुछ नहीं कर पाया, वहाँ से बिजनेस भी किया अपना पूरा, और लास्ट दिन बोलता है कि मेरे पैसे लेने लो, मैं जा रहा हूँ नीचे उतर के चला गया, क्योंकि आपके मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रहे, मैं निकल रहा हूँ पेशेंट में। कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ऐसे उठ के आ जाओ, कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आपके जो बिल देना काटो मैं जाऊँ। It is not a joke, like it was a scary scene and we were all seeing कि हो क्या है, कैसे हो। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, हमारे ऊपर है कि हमें मानना है कि नहीं मानना। तो मतलब अगेन इट्स ऑल एक्सपीरियंस है, अगर मैं देखूँ तो कितने सारे लोग जानते हैं जिनके जॉब स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशूज वो भी ठीक हो गए, इट इज जस्ट गुरु जी का ऑरा संरक्षण है, जो जो आता जाता है वो उसको सुख की डेफिनेशन के हिसाब से वो देते हैं। और बड़ी बारी तो ऐसे भी होता है, पता भी नहीं होता कि वो दे रहे हैं, वो पता कि दो साल बाद जाके चलता है, उसको वहाँ पे ये सब होता है पता ही नहीं। तो हम बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, और मतलब एक भाव ये भी था जैसे हम पहले ना हर संडे बंदी मंदिर जाते होते थे, तो मन में थोड़ा ये जाता था जो बोलता है ना हम हर संडे जाते हैं महीने वाले में, तो ऐसा बोला उसके पास से हाजिर ही मिलना, मतलब कुछ नहीं करना संडे को, सिंपली सिंपली कहता रात को एडी करने के बाद कि कल तो पक्का चलेगा,
नहीं जा सकते। और मुझे फिर याद आए भाई हमारे राम जी की कजन है खंडूजा लोग है ना टेक्निक्स लोग कहते हैं हम सब बचपन से करके पढ़े उन्होंने जागरण कराया तो वो मुझे कैसे याद कराया आपने मेरे घर के बाहर जागरण हो रही मुझे जागरण होता दो तीन घरों को कवर कर दिया जाता है उस रात को मैं खाली ये बोलता रहा बस पाँच मिनट में क्या दस मिनट में मेरे कमरे से मेरा गेट दस कदम आई कुडंट गो देयर थोड़ा जागरण कर अगर नहीं बुलाया ना तो नहीं बुलाया सिंपल तो अभी तक नहीं आ रहा था तो उन्होंने बोला कि डेट नहीं मिल रही मैं तबाही का काम कर लिया हम लोग एंट्री बैन हो गई है मैं गुरु जी का बड़ा बोला मैं ठीक है मार्च कर लो कभी तो कराओगे अगर तब तक वेट करते हैं और उसको दो घंटे वाला तो मैं कह दिया वेट खत्म नहीं होगी तो हर तो ये अच्छी चीज़ें हैं मतलब और आपको नेटवर्क भी अच्छा मिल रहा है लोग भी अच्छे मिल रहे हैं कोई वो नहीं है कि ये ना खाओ और ऐसे भी लोग देखे जिनको इनसिक्योरिटी बड़ी होती थी उनको लगता फादर फिगर भी है यू नो उनको छत में टीचर भी होता ये भी बड़े लोग देखेंगे आपको सो आपको क्या चाहिए जो बी हैप्पी यू गेट दैट बस ये थैंक यू और आप आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बस लगा और किसी ने भी बोल दिया कि भाई सेवादार आने से फिर बड़े होते हैं की रिक्वेस्ट की नहीं सुनता मैं कभी झाड़ भी देता हूँ उसमें भी बड़ी अच्छी बात हमारे साथ बोला भाई भाई पानी का भी मिला हुआ बड़ा गुस्सा आया पानी भी नहीं दे मैंने बहन को बोला मैंने कोई कष्ट होगा वो कट कर डांट ये मान लेता उसके बाद गुस्सा भी होगा और खुशी भी होगी तो जाते जाते समोसा है पानी ना दी तो जय गुरु जी थैंक यू वेरी मच देखिए मैं तो हर बार दरबार में एक ही चीज कहता हूँ कि यहाँ दिल का मामला दिमाग नहीं चलता यही महाराज कहते हैं कि जोड़े फिर दिमाग बाहर रख के जस्ट उसका छोटा सा टेस्ट था कि क्या कहेगा अगर रेड डेट नहीं मिलेगी तो फेल किया और मैंने उसको यही कहा मैंने कहा एक दिन पहले भी संगत है और कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में संगत होती है तो कई बार महाराज का जिसको हुक्म होता है कई बार दर्शन में संगत कम भी होती है तो मैंने कहा एक सैटरडे को भी संगत है दो संगत है पंचकूला में भी है चंडीगढ़ भी है तो अगर संगत कम हो तो ये मत कहिए महाराज को देखो आएंगे कदम मुझे गुरु जी से मतलब है संगत अपने आप तो ये मन के पार प्रशांत प्रशांत जो आशीन
जय गुरु जी, जय गुरु जी सही सुंदर गुरु। वैसे तो लगभग मेरे ख्याल से सारे आंसर्स मिल ही गए आपको। जो सबसे पहला सत्संग हुआ, बहुत ही ऑनेस्ट सत्संग जो भैया ने किया, कोई अपनी कमियां बता नहीं पाता इतनी संदर्भ में, बट उन्होंने सब बताया। तो खासकर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मेरे मन में भी थे, वो क्लियर होने में समय भी लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। बट आप आए हैं तो बस इतना कीजिए कि प्रसाद को मना मत कीजिए, सारा खाइए। हमने अपने बचपन में यही सुना है अपने बुजुर्गों से कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तो आपकी थाली में, आपकी प्लेट में जो भी आपको मिला है, आप उसको स्वीकार करें, उसको ग्रहण करें और गुरु जी की कृपा महसूस करें। होगी, पक्का होगी। आपको विश्वास नहीं भी है तो आप थोड़ा सा टाइम सब्र रखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं एक रिसेंट सत्संग शेयर करता हूं। मैं 30th को दिल्ली से अपने मामा जी को लेके हैं, मेरे रियल मामा जी USA में रहते हैं, बट सिचुएशन उनकी हेल्थ इस वक्त इतनी नाजुक है कि USA के डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, क्योंकि USA के मेडिकल साइंस को सबसे ऊपर माना जाता है इस वक्त वर्ल्ड में। बट गुरुजी से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। वो आए, वो कहते हैं यार घर तो जाना है बट बड़े मंदिर पहले जाना है। और आप मानिए, जब वो आए मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है, वो कहते मैंने 6 महीने से कुछ खाया नहीं है, ये सिचुएशन है। लगभग 20 साल हो गए किडनीज खराब है उनकी, और अभी रिसेंटली उनके कुछ इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम है। वो क्या है वो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हो पाई है। ये पता होगी तो किसी बहुत एक्सपर्ट को पता होगी, हमारे आम इंसान के तो समझ से बाहर है प्रॉब्लम। हम गए बड़े मंदिर, और आजकल जो सिनेरियो है बड़े मंदिर का, आपको बहुत दूर उतरना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है। मंडे का दिन हम मंदिर के गेट पे उतरे, सबसे पहले तो सत्संग यही मंदिर है, मंदिर के गेट पे उतरना बहुत बड़ी बात। मैं बहुत सोच रहा था, मैं कहीं कैसे होगा, क्योंकि उनसे चला भी नहीं जा रहा था प्रॉपरली। उतरे, अंदर गए, दर्शन किए, प्रसाद की बारी आ रही। अभी सिचुएशन उनकी ये चल रही थी कि वो अगर थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं, अभी हमारे घर पे ही हैं, यहाँ अभी शायद गुरुजी का हुक्म नहीं है, जिस दिन होगा वो जरूर आएंगे। घर पे भी कुछ भी खाते हैं वापस उनको उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है थोड़ा सा भी। बट उस दिन बड़े मंदिर गए, जो भी प्रसाद था वहां पे मैं वो डिस्क्राइब नहीं करूंगा, वो खाया। वहां से हम गाड़ी में बैठे, हम दिल्ली से निकले भी नहीं थे, कहते हैं भूख लगी है। मैं कहा चलो दिल्ली से तो निकल जाए, हम रुकते हैं कहीं पे। मूर्खर रुक गए, बहुत मन किया उनका इंडिया भी आए, जो स्पेशली बाहर से इंडिया आता है उनको होता है कि हम यहाँ के कुछ मसाले खा लें, कुछ कुछ भी खा लें जिसकी जो फेवरेट आइटम होती है। बट डर रहे थे लोग तो कुछ खा नहीं पाए, बस चाय पी और घर आ गए। अब आप देखो ना, USA में कुछ पच रहा है पिछले 5-6 महीने से, और इधर घर पे हम उनको देख रहे हैं 30 तारीख से, आज 12 तारीख हो गई है, अभी भी कुछ नहीं डाइजेस्ट हो रहा। पर वो बड़े मंदिर का प्रसाद वो खाया, वो डाइजेस्ट भी हुआ और वो खा के भूख भी लगी। तो यही है प्रसाद की महिमा। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठीक होंगे,
वो भी गुरु जी पे विश्वास रखें। मैंने उनको लिंक भेजा था लाइव का, अगर वो सुन रहे हैं तो गुरु जी पे विश्वास रखें, आने की कोशिश करें, प्रसाद खाएं, आप सभी लोग प्रसाद खाएं। आप देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ वेल्थ नीड्स सब गुरु जी पूरी करेंगे। विश्वास रखें, प्रसाद खाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्र रखें। जय गुरु जी। देखिए महाराज सत्संग में सब कुछ करवाते हैं, मैसेजेस होते हैं, नथिंग इज हाउ मच वी आर लिसनिंग टू यू, हम क्या उसको कलेक्ट कर रहे हैं। बस इन शॉर्ट यही कहूँगा, आप गुरु जी के पास आते रहिए, महाराज के स्वरूप से बातें कीजिए, उनसे ब्लेसिंग दीजिए, लंगर खाइए और अपना कनेक्शन सिर्फ गुरु जी का रखिए। यहाँ अगर आपको कोई ब्लेस कर सकता है तो सिर्फ गुरु महाराज। अनाउंसमेंट एक दो होगी, उसके बाद आरती होगी। महाराज का सबसे बड़ा दिन आ रहा है महाशिवरात्रि। पिछले 10-11 सालों से आरती में गुरु जी इतने साल महाराज ने बुलाई को डे वन से गुरु जी ने जब बुलाया, मन में एक इच्छा हुई थी, तो पहला सत्संग जो बख्शा था, मैं तो ये कहूँ कि बख्शीश है, वो महाशिवरात्रि का था, जो मैंने अपने घर पे गुरु जी आए थे पहली बार सत्संग करते। और उसके बाद रेगुलर इन कॉन्टिन्यूस एवरी ईयर्स महाराज आते हैं, संगत आती है। वेरी ग्रेटफुल थैंकफुल टू गुरु जी की, उन्होंने ये सेवा दे रखी है, बिकॉज विदाउट हिज सपोर्ट ना तो सत्संग होता ना संगत आती। आज देखिए, अब कल भी सत्संग था, इतने सत्संग थे, आज कितनी संगत आएगी। सो उनकी मेहर है, उनकी बख्शीश है। सो यही बख्श उन्होंने दे रखी है इतने सालों से शिवरात्रि के सत्संग की। और अब YouTube लिंक है, सबको पता चलता है कि क्या है उसमें, तो ये अच्छी बात है। दोस्त लाइक कॉन्ट्रोवर्सीज देख रही है, मैं ये मानता हूँ। सो सत्संग और भी होंगे, हो सकता है आपको और भी इन्वाइट आए, बट आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मेरी तरफ से गुरु जी की दरबार में मैं हाथ जोड़कर सभी को इन्वाइट करता हूँ कि आप लोग शिवरात्रि के लिए रेड बिशप एनिवर्ट सेक्टर 1 पंचकूला शाम को 6 बजे 18th को है, आप सभी आए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और महाराज की ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि यही एक सत्संग है। अब मुझे समझ आता है गुरु जी ने एक सत्संग की क्यों बख्श दी है मेरे को। सारा साल सत्संग होते हैं, सारी संगत प्यार करती है, परिवार की तरह मुझे अपने घर बुलाती है। कोई बाहर सत्संग करता तो वहाँ बुलाते हैं, कोई घर पे करता है घर बुलाते हैं, गुलाटी भवन होते हैं, मतलब एक परशुराम भवन है, शिव मंदिर है, इतनी जगह हर कोई, जैसे आज दो फैमिलीज ने किया तो मुझे बुलाते हैं। अब मेरा दिल करता है मैं सबको बुलाऊँ। सो महाराज ने सत्संग इसीलिए बख्शा है कि दिल खोल के जिसको बुलाना बुला रहे। सो आप सभी शाम को 6 बजे 18 तारीख को रेड बिशप एनिवर्ट सेक्टर 1 पंचकूला गुरु जी की ब्लेसिंग देने आए। बाकी जिसको गुरु जी ने जहाँ बुलाना है ब्लेसिंग्स के लिए, जहाँ भेजना है, मैं उन लोगों पर ही बोलता हूँ हमेशा। जैसे अभी रजत ने कहा दिल का मामला है, सो दिल का मामला है तो डॉली मलेरिया आंटी ने भी अनाउंसमेंट की थी लास्ट सत्संग में, शिल भी परफॉर्मिंग, उसके बाद अमाना दीदी हैं, उन्होंने लास्ट ईयर न्यू ईयर पर परफॉर्म किया था, जब सिखों ने गुरु महाराज ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, तो वीर गौर वीर ऑल्सो भी सेलिब्रेटिंग विद अस। देखिए वो सिंगर फर्स्ट टाइम आया था सिखों में, जब 31 दिसंबर 2021 का सत्संग था, 21 का उसने महाराज के पास आके पहली बार आया थे, तो वो कवाली का ग्रुप जाता है, तो पहली बार गुरु महाराज के पास उस दिन आया, उसने देखा इतनी संगत इतने डिसिप्लिन में कुछ तो है, और माथा टेका। उसने गुरु महाराज से एक अरदास की कि मेरी वाइफ का ड्यू है इशू, सो गुरु महाराज मेरी एक इच्छा है कि मेरे को एक बेटा मिले। एंड विद इन 2 डेज उसकी डिलीवरी हुई और उसको बेटा हो गया। देखिए कैसे जुड़ते हैं, और उसके बाद वो कितने सत्संग गुरु जी के दिल्ली में, अभी पीछे भी उसका प्रोग्राम था मानवी का, सो वो परफॉर्म कर रहा था और वो खुद कह रहा ये गुरु जी का बेटा दिया हुआ। सो लाइफ डॉली की आंटी भी आएंगे, डॉली की लेडी आंटी
गुरु जी की बहुत पुरानी संगत से हैं और हम आनंद भी होंगे आप सभी शाम को 6 बजे महाशिवरात्रि के लिए आए और बिफोर टाइम आए हम सब मिलकर गुरु जी का वेलकम करेंगे। मजा तो तभी है, देखो रब आ रहा है, इतने बड़े दिन आ रहे हैं, महाशिव आ रहे हैं, सो मजा तो कब है ना बिफोर टाइम आए और गुरु जी का वेलकम करें सर। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने फ्रेंड रिलेटिव को मैसेज कीजिए। लंगर प्रसाद के बाद अभी जब आप आरती करके जाएंगे यहाँ से बाहर, एक तो चाय का प्रसाद है क्योंकि मेरी नजर से बात होता है चाय क्यों कहते हैं, गुरु जी बाद में संगत को चाय पिलाते थे तो चाय प्रसाद, तो सभी के लिए है चाय प्रसाद, आप सभी को प्रसाद लेके जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी ने नाम ऐड करवाना है इन्विटेशन ग्रुप्स के नाम से है, हम जो ट्राई सिटी में हमारे जो ग्रुप्स हैं और भी कई ग्रुप्स हैं, सो इन्विटेशन ग्रुप में अगर नाम ऐड करवाना है तो अमित मंजन भाई अंकल बाहर होंगे, आप उनको नाम नंबर दे देंगे। और पूर्णमासी का जो सत्संग होगा हमारा 7 मार्च को उसके लिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वन सत्संग वी आर डूइंग कॉन्ट्रीब्यूटरी मिलकर करते हैं, अगर किसी ने सेवा में नाम लिखवाना है बाहर आप नाम लिखवा लेंगे, जो भी सेवादार होंगे भी होंगे यू गेट द कॉल जिसकी जो सेवा लगे, सेवादार सभी अपना प्रसाद लंगर के बाद लेके जाएंगे गगन से या मेरे से। अभी आरती होगी, कुछ स्वरूप है गुरु जी के पॉकेट स्वरूप है या बड़े स्वरूप छोटे स्वरूप जो भी प्रसाद है, अगर किसी के पास नहीं है तो बाहर दत्ता आंटी होंगे आप उसे वो स्वरूप भी लेके जा सकते हैं। और अभी आरती के लिए सभी लोग जगह पे खड़े हो गए, रिक्वेस्ट द फैमिली मेंबर्स प्लीज कम फॉरवर्ड, आरती के बाद सभी अपनी जगह पे जाएंगे और आपको लंगर प्रसाद आपकी जगह पे मिलेगा। प्लीज लंगर प्रसाद जल प्रसाद चाय प्रसाद किसी को भी जुटा रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आरती के बाद का सज्जन आपस में बातें करना शुरू कर देती है, इट्स नॉट अ क्लियर, जब तक हम लोग आप सभी हम सभी यहाँ से आगे आगे अपने घर नहीं पहुँचते महाराज हमारे रास्ते दिए, हम महाराज हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि उनके बैठे हुए हैं।